followers by, and today we have with that a super active, I would say, Shefali Bagga, जो कि हमें सारी अपडेट्स देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है. स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में. थैंक यू रोशनी जी. शिपाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके इंस्टा पे अगर एक नजर घुमाई जाए तो इतना ज्यादा एक्टिव है आप हर एक जगह से. मतलब आपके ड्रेसिंग को ले लीजिए, आपके जो रील्स आप पोस्ट करती है इतनी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत भी लगती है आप. लेकिन उससे है कि कुछ ना कुछ आने वाला है, क्योंकि एक साल हो गए हैं बिग बॉस को भी, आपको भी वहां से निकल गए. क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ नया आने वाला है? मैं इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने वाली हूँ, द यू नो द ग्लैमर इंडस्ट्री. एंड मेरी म्यूजिक वीडियो आ रही है, हम शूट करके आए हैं और जल्दी हम उसका पोस्टर रिलीज करेंगे. अभी एडिटिंग प्रोसेस होगा जो भी, सो उसके बाद आपको जल्दी एक धमाका दिखने वाला है, बिकॉज ये वाला अवतार तो अभी तक किसने देखा नहीं है. एंड ये म्यूजिक वीडियो का शूट हमने गोवा में किया है. अनमोल प्रीत इज द सिंगर एंड JSL ने इसमें रैप दिया है. अनमोल प्रीत का पहले गाना आया था आज से कुछ साल पहले, बम्ब बाई, वो बहुत अच्छा पेपी पार्टी सॉन्ग है. एंड उसका पार्ट टू उससे भी ज्यादा अच्छा है जिसका मैं पार्ट हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट. एंड बहुत बहुत पसंद आया मुझे गाना. और इसकी लुक, जो मेरी लुक निकल कर आई है इस गाने में, मैं चाहती थी कि मैं जब गाना करूं पहला अपना तो इसी लुक के साथ हो. दिस इज मी एक्चुअली. सो बहुत मजा आने वाला है जी. शिपाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने बिग बॉस के घर में कदम रखा या फिर जब वो ऑडिशनिंग वाली चीज होती रहेगी, शॉर्टलिस्ट होते रहेंगे, तो उसके पहले आप मीडिया इंडस्ट्री में थे, आप एज एन एंकर में काफी बारी नजर भी आ चुके हैं. तो जब आप वहां गए तो क्या आपका मोटो था कि इस तरह से आपको जाना है इस इंडस्ट्री में, या फिर यू वुड लाइक टू स्टिक टू मीडिया? मैंने नहीं सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है. लेकिन हाँ, एक बचपन में कभी मैंने सोचा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है बचपन में. बट अगर मैं बचपन में सोचती और वो बनती तो मैं शायद पहले एक्ट्रेस होती एंड देन एंकरिंग करती. लेकिन मैं पहले एंकरिंग कर रही थी, सो दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर. बट मुझे, I was very interested कि मैं कोई म्यूजिक वीडियो करूँ या कोई वेब सीरीज करूँ. मुझे ऑफर्स बहुत सारे आए थे रोशनी, लाइक, बट मैं चाहती थी कि मुझे मेरे मतलब का एक रोल मिले जिससे मैं स्टार्ट कर पाऊँ. आई वुड लव टू डू एवरीथिंग जो मेरे हाथ में आती है, टेक अप न्यू चैलेंजेस. बट ये जो मैं इस म्यूजिक वीडियो में जो मेरा लुक है, दैट इज अमेजिंग. मुझे अपने आप से दोबारा प्यार हो गया. And I'm pretty much sure कि आपके जो fans हैं वो भी आपका ये look देख के आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे. Yes, बहुत ज़्यादा हम अच्छे behind the scenes भी डालने वाले हैं on my Instagram. आप बस stay tuned रहना, जल्द ही poster हम release करेंगे, उसके बाद बहुत मजा आएगा. बिल्कुल, हम सभी नजरें बिछाए बैठे हैं आपके उन सारे ही वीडियोस और रील्स के लिए. और तो शिफाली, हम जानना चाहेंगे कि फिनाले भी आ चुका है, बस दो ही दिन बाकी है, विनर अनाउंस होने वाला है. बहुत ही लंबी जर्नी रही, लेकिन एक जो सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि सीन पलटने वाला है, इस पे काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है. क्या लगता है आपको किस तरह से सीन पलटने वाला है? अब जो पलटना था ना पलट गया, अब जो होना था हो गया है. अब दो नाम है मेरी लिस्ट में जो आएंगे, नंबर वन और नंबर टू, दैट इज राहुल एंड रुबीना. अब इसके अलावा और क्या पलटेंगे? जो पलटना था उन्होंने पलट दिया. अब टॉप फाइव भी आ चुके हैं एंड जिनको होना चाहिए था वो मुझे लगता है कि टॉप थ्री मेरे हिसाब से हैं, राहुल, रुबीना एंड राखी. अगर सीन पलटा तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कह सकते हैं बिग बॉस के राखी को हम एज चैलेंजर लाए थे तो हो हा हा हम मजाक कर रहे थे और अब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी यही हो सकता है मैक्सिमम. लेकिन आई थिंक नंबर जो टॉप टू है वो राहुल और रुबीना ही रही. दैट्स माय टेक ऑन इट, जो मुझे लगता है एज ऑडियंस. इनफैक्ट अगर आप गली गली में जाके, अगर मैं अभी माइक लेकर चले जाऊँ, पोल करने लग जाऊँ, हर कोई यही कह रहा है. जी बिल्कुल, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर इन दोनों के ही फैंस ने बहुत ही धूम भी मचा रखी है कि मतलब कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा. और तो शिफाली, मैं आपसे कुछ शब्दों में ही जानना चाहूंगी, क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी रही है दोनों की, लेकिन अगर दोनों की जर्नी को समराइज करना चाहे तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल मेहता आखिर क्यों जीतने चाहिए और रुबीना एज अ विनर क्यों होनी चाहिए? राहुल मुझे
बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगे थ्रू आउट द सीजन, एंड उन्होंने अपना पॉइंट बहुत जगह, मुझे वो बहुत क्लियर लगे हैं, वो जो बोलते हैं उनको दिमाग में उनके चीजें होती हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, एंड टू द पॉइंट यार, वो एकदम बिंदास होकर बोलते हैं, लाइक जैसे हमने प्रॉपर नॉर्मल कॉमन मैन यार, जैसे दिल्ली वाले हैं या चंडीगढ़ वाले हैं या बॉम्बे वाले, बिल्कुल इस तरीके से बात करते हैं, अरे ऐसे, वो मजाक भी उसी तरीके से करते हैं, लड़ते भी उसी तरीके से हैं, तो हम एज यू नो कॉमनर्स बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं उनसे कि यार ये है, ये हम घर पे बैठे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जब राहुल ने यू नो फाइट में भी दमदार फाइट दी, लेकिन कभी जब किसी की फाइट चल रही है तो वो है करके हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। दिस इज रियल, एंड रियलिटी शो में ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके वन लाइनर्स आई कम्प्लीटली लव इट, तो मुझे एज अ पैकेज वो बहुत ज्यादा पसंद आए। और रूबीना का भी आई लव द वे शी टॉक्स, एंड नो डाउट शी इज ब्यूटिफुल, एंड उन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी जी है इस घर के अंदर, चाहे फिर वो उनका अभिनव का रिलेशनशिप हो, जैस्मिन उनकी लड़ाई हो, सारे एलिमेंट्स हैं एक यू नो विनर होने के, मतलब दीज बोथ आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द, मतलब आपस के लिए नहीं लेकिन हीरो एंड हीरोइन ऑफ द शो BB14। राइट शिपाली, मेरा आपसे एक सवाल है कि हमने देखा कि लास्ट दो तीन दिनों में लाइव फीड से विक्की को निकाल दिया गया था काफी बस क्रिएट करने के लिए, क्या आपको लगता है कि किस तरह का गेम बिग बॉस खेल रहे थे इस तरह से विक्की को लाइव फीड से निकालकर? आई है, मेरे को नहीं पता भी नहीं है मुझे इस बारे में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन हाँ निक्की, मुझे निक्की के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब कंपेयर करूं उसको पहले और अभी के बीच में, मुझे निक्की पहले ज्यादा पसंद थी, अब यू नो निक्की का ग्राफ थोड़ा ऐसे ही गया है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मुझे रूबीना पहले इतनी नहीं पसंद थी, रूबीना का ग्राफ तो एकदम ऊपर उड़ा है, बट निक्की आई डोंट थिंक के, आई थिंक अभिनव शुक्ला हो सकते थे निक्की की जगह फिनाले में। जी शिफाली, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि बिग बॉस के फिनाले वाले दिन मनी बैग ऑफर होता है, क्या लगता है कौन हो सकते हैं वो सदस्य जो लेकर निकलेंगे? आई डोंट थिंक के कोई निकलेगा यार, आई डोंट थिंक के निकलना चाहिए, फॉर 6 लाख इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पता नहीं। हाँ खैर देखो यार, अगर निक्की को या अली को ये आई थिंक वो ले सकते हैं, राखी भी ले सकती है, राखी ने कहा है कि मेरे लिए शो इम्पोर्टेंट है, पैसे इम्पोर्टेंट है, बट लेना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल आई थिंक। आई थिंक इतना काम बिग बॉस के बाहर आने के बाद मिल जाता है तो यू नो पैसा आ जाता है बाद में, बट अगर आप यू नो फिनाले में पहुंच कर ये चीज अगर आप पैसे लेके निकल जाओ, सो आई डोंट थिंक इट इज द राइट थिंग। आई थिंक बस जस्ट मतलब एक विनिंग स्पिरिट हो और आप जीतो तो ये है, बट ठीक है स्मार्ट, जैसे पिछले सीजन में पारस ने ले लिया था, वो दैट वाज अ स्मार्ट डिसीजन बिकॉज पारस को क्लियरली लग रहा था कि वो नहीं जीतने वाले हैं, तो अगर किसी को ऐसा लगता है किसी में अगर वो बिल्कुल विनिंग वाला है ही नहीं कि मैं फर्स्ट टॉप टू में भी पहुंचूंगा, तो फिर तो वो ले ले, फिर तो उसके लिए वो अच्छा है, मतलब जैसे जिसका जैसे जिसको सही लगे। जी बिल्कुल शिपाली, थैंक यू, पहले सबसे तो मैं आपको बॉलीवुड टीम के सारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एंटायर सीजन आपने इस तरह से बेबाकी से अपनी बातें टाइम टाइम पर अपने आप रखती आई हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से बॉलीवुड स्पाई के साथ जुड़ी रहे, हमारे व्यूवर्स के साथ जुड़ी रहे, और जो आपके फैंस भी है, जो अब ये बात बॉलीवुड स्पाई पर रिवील की गई है कि आपका म्यूजिक एल्बम भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, हम चाहेंगे कितने एक्साइटेड है वो शिफाली पदक को म्यूजिक एल्बम में देखने के लिए, छोटे छोटे रील्स आ रहे थे वो पूरा 2-3 मिनट के सॉन्ग में हम डांस करते हुए दिखेंगे, और साथ ही कितना आग्रह करते हैं आप शिफाली के सारी लाइव के साथ पूरे सीजन उन्होंने हमारे साथ काफी कुछ शेयर किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। थैंक यू शिफाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोशनी, बाय बाय बाय।